पाँच महीने तक नहीं किया गया अंतिम संस्कार। पैसे के लिए शव को रखा जिंदा। बनारस के भेलूपुर थाना क्षेत्र के कबीर नगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला ताजा मामला सामने आया, जहां चार बेटों और एक बेटी ने मां की मौत के बाद भी पाँच महीने तक मां के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें उनकी पेंशन मिलती रहे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बेटों को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट रहे दया प्रकाश अपने चार बेटों और एक अविवाहित बेटी के साथ रहते थे और साल 2000 में दया प्रकाश का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी 13,000 रुपए पेंशन उनकी पत्नी अमरावती को मिलने लगी और इस साल 13 जनवरी को अमरावती की भी मौत हो गई, जिसके बाद बेटों ने पेंशन की लालच में शव का अंतिम संस्कार करने की जगह उसे घर में ही छिपा कर रखा। शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पीयूष कुमार ने बताया कि शव पर केमिकल का लेप लगाया गया था, जिससे शव सड़े नहीं और न ही उसमें से दुर्गंध आए। फिलहाल पुलिस ने घर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दवाइयां और केमिकल बरामद कर लिए हैं।